हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सायरन। सायरन के कितने प्रकार है जो इमरजेंसी के टाइम में बजता है, वो सायरन की हम बात कर रहे हैं अलार्म। और वर्किंग टाइम ऑफ सायरन, किस इमरजेंसी में सायरन कितने टाइम तक बजता है और कितने टाइम के लिए स्टॉप होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरे देखेंगे अच्छे से तो आपको सायरन के बारे में फुल डिटेल्स मिलेगा कि कितने टाइम तक सायरन काम करता है, कितने टाइम तक बजता है और कितने टाइप का सायरन होता है। दोस्तों, हम यही सायरन की बात कर रहे हैं जो इमरजेंसी के टाइम में, जो अलार्म के रूप में ये बजता है। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सायरन। सायरन के कितने प्रकार होता है, चार टाइप का सायरन होता है, मेजर फायर एंड फ्लेमेबल गैस। फायर वाला एक सायरन होता है और फ्लेमेबल गैस जब लीकेज करता है उसका एक सायरन होता है। सेकेंड में हम देख रहे हैं टॉक्सिक रिलीज। कोई जहरीली गैस जब रिलीज होती है प्लांट में तो वो एक सायरन होता है, उसका भी एक सायरन अलग से बजता है। थर्ड नंबर में देख रहे हैं एयर रेड वार्निंग। एयर रेड जब ऊपर से आसमानी कुछ इमरजेंसी आने वाली रहती है उसका भी एक सायरन होता है। कोई बम ब्लास्ट होने वाला, कोई ऊपर से एयर रेड, कोई रॉकेट वगैरह ऊपर से छोड़ता है तो उसका भी एक अलग से सायरन होता है। तीन में ये है। और एक लास्ट होता है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब सब खत्म हो जाता है, कोई इमरजेंसी आता है वो ख़त्म होने के बाद एक ऑल क्लियर का सायरन बजता है कि सब कुछ सही है और अब आप काम कर सकते हैं साइट पे। तो ये चार प्रकार का सायरन है। अभी हम बात करेंगे कि ये कितने कितने टाइम तक ये सायरन बजता है। वर्किंग टाइम ऑफ सायरन, सायरन कितने टाइम तक अलार्म बजता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं मेजर फायर और फ्लेमेबल गैस। इसका सायरन 2 मिनट तक बजता है 8 टाइम, मतलब 8 बार बजता है 2 मिनट तक। 10 सेकेंड बजता है रेगुलर और 5 सेकेंड ऑफ होता है, फिर 10 सेकेंड बजता है, फिर 5 सेकेंड ऑफ होता है। ऐसे करके ये 8 बार बजता है 2 मिनट का ये अलार्म होता है। सेकेंड में हम देख रहे हैं टॉक्सिक रिलीज। जब जहरीली गैस रिलीज होती है तो उसका अलार्म होता है 2.5 मिनट तक बजता है 6 टाइम। 2.5 मिनट 6 टाइम, 6 बार बजता है। 20 सेकेंड ऑन होता है, 5 सेकेंड के लिए स्लो होता है। 20 सेकेंड ऑफ होता है, 5 सेकेंड के लिए। ऐसे करके ये 6 बार बजता है और 2.5 मिनट तक, 2.5 मिनट तक। यहाँ पर एयर रेड वार्निंग, एयर रेड वाली 6 मिनट तक बजती है। ये बहुत खतरनाक होता है, ऊपर से दूसरी कोई आतंकवादी वगैरह हमला करता है ना, वो सायरन होता है। तो ये 6 मिनट तक बजता है और 10 बार। 30 सेकेंड के लिए ऑन होता है, 5 सेकेंड के लिए ऑफ होता है। मतलब स्पीड में 30 सेकेंड तक बजता रहेगा और 5 सेकेंड के लिए स्लो होगा। तो ये 10 टाइम बजता है, 10 बार बजता है और 6 मिनट तक लगातार बजता रहता है। तो ये एयर रेड का हुआ। और फिर लास्ट क्या है, ऑल क्लियर। जब इमरजेंसी समाप्त हो जाए, पूरे अच्छे से ख़त्म हो जाती है तो हम वर्कर को परमिशन देते हैं कि अब कुछ इमरजेंसी नहीं है, आप साइट पे काम कर सकते हैं। तो वो 2 मिनट तक लगातार बजता रहता है ऑल क्लियर, मतलब सेफ वाला जो अलार्म होता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब पूरा वर्कर अपने अपने लोकेशन पे जाके काम कर सकता है। तो वो क्या 2 मिनट तक रेगुलर बजता रहता है। 2 मिनट तक रेगुलर बजेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अब कोई इमरजेंसी नहीं है और सब इमरजेंसी ख़त्म हो गया और हमको काम करने का परमिशन मिल गया। तो ये चार प्रकार का सायरन था और इसका वर्किंग टाइम था, कितने टाइम तक ये काम करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छा अच्छा वीडियो आपको हम देते हैं।